माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ प्लेस। सभी एनिमल के अंदर ये कैपेसिटी है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं अपना फूड के लिए, अपना अपोजिट सेक्स के लिए, और एनिमी से बचने के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए। तो बर्ड में एक स्पेशल काइंड का माइग्रेशन होता है, तो इसे कहते हैं माइग्रेशन, इरेगुलर पीरियोडिक टू एंड फ्रो, यानी वहां से जाना है फिर वापस भी आना है। जर्नी और मूवमेंट ऑफ सम बर्ड्स बिटवीन ब्रीडिंग और नेस्टिंग प्लेस, समर सीजन और विंटर सीजन, ये कंप्लीट डेफिनेशन है माइग्रेशन का इन बर्ड्स में। यानी एक पीरियोडिक है, आना और जाना दोनों है, जाना और वापस आना, और एक रेगुलर पीरियड में होता है। क्यों करते हैं ये माइग्रेशन, क्यों करते हैं? फॉर फूड, टू एस्केप फ्रॉम एनिमी, टू सेव फ्रॉम क्लाइमेटिक चेंज और फॉर ब्रीडिंग, क्योंकि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए कुछ टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड होता है, जो वहां पॉसिबल नहीं है नेस्टिंग प्लेस पर रहने की जगह पे, इसलिए वो दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं। इस हिसाब से बर्ड्स को टू टाइप्स में बांटा गया, एक माइग्रेटरी बर्ड मूव टू ऑब्टेन सुटेबल एनवायरनमेंट, दूसरा रेजिडेंट बर्ड, वो उस अपने नेस्टिंग प्लेस को छोड़ के इधर से उधर नहीं जाता है। काइंड्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन कितने तरह के होते हैं? फॉलोइंग टाइप्स के माइग्रेशन होते हैं। हमने सभी टाइप के माइग्रेशन को एक ही जगह जमा कर दिया है। लैटिट्यूडनल, मूवमेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा। जैसे ये ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ पोल या साउथ से नॉर्थ पोल मूव करता है, नॉट फ्रॉम पोल टू पोल। इट मे बी, कोई जरूरी है कि ये पोल से पोल पर ही करेगा, पोल से इस तरफ आया, इस पोल से इस तरफ आया, या यहां से यहां तक गया, इसको हम लैटिट्यूडनल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आर्कटिक टर्न, गोल्डन प्लोवर, पेंगुइन्स। दूसरा है द अमेरिकन गोल्डन प्लोवर इंजॉयज 9 months, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, विंटर इन अर्जेंटीना, हेंस नोज नॉट ए हिंट ऑफ विंटर, क्योंकि अर्जेंटीना में गर्मी पड़ती है, ये 9 महीना वहां रह जाता है, तो अपना जो नेस्टिंग प्लेस में जो उसको विंटर मिलता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए इस बर्ड को विंटर सीजन के बारे में कोई अता पता नहीं रहता है कि विंटर भी होता है। नेक्स्ट, अल्टीट्यूडनल वर्टिकल माइग्रेशंस फ्रॉम हाई माउंटेन टू लो वैलीज, फ्रॉम समर टू विंटर। एग्जाम्पल है समर टू विंटर कॉमन वुड कॉक, इसका एग्जाम्पल है। जैसे ये माउंटेन है और ये वैलीज है, यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, अगर यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है तो इससे बचने के लिए यहाँ आ गया, या यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है इससे बचने के लिए यहाँ आ गया, तो ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसी को हम अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन कहते हैं। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, यानी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये ग्लोब है, यहाँ ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और ये ईस्ट है, तो ये बर्ड यहाँ से मूव करके इस दिन इस डायरेक्शन से इधर या इधर से इधर जाता है, फिर लौट करके वापस आता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेस्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल हमने लिया है ये सितंबर एंड अक्टूबर में जाता है फॉल्कलैंड में, पेंटागोनियन प्लोवर जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में फॉल्कलैंड में या पेंटागोनियन वैली में जाता है, किसके किस चीज के लिए? ब्रीडिंग के लिए। दूसरा है पार्शियल माइग्रेशन, नॉट ऑल मेंबर्स मूव, ओनली फ्यू मूव टू अनदर प्लेस। जैसे एक पूरे के पूरे नहीं चला जाता है उसमें से, इसीलिए 12 महीना वहां पर दिखाई देता है, कुछ मेंबर वहां पर चले जाते हैं तो बाकी मेंबर यहां रहते हैं, फिर वो अगले टाइम में दूसरा मेंबर जो यहां था वो वहां चला गया, वहां से यहां आ गया, तो इसीलिए जो रेजिडेंट प्लेस है, जो नेस्टिंग प्लेस है,
बारह महीना वो दिखाई देता है। एग्जाम्पल है बार्न आउल्स, उल्लू। दूसरा है इरेटिक, एडल्ट्स एंड यंग वंस माइग्रेट अबाउट, मतलब जहां पर वो बर्थ हुआ उस बर्थ से 100 माइल्स या 200 माइल्स एक दूसरे से चले जाते हैं। किस लिए? अपने एनिमी से बचने के लिए और फूड के लिए तलाश करने के लिए। जिसका एग्जाम्पल है वार्बलर्स, ककूस, ग्रेट ब्लू हेरन। और दूसरा है सीजनल माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू सीजन। जैसे समर विजिटर्स, ये सीजनल सीजनल, जिसमें दो टाइप का होता है, एक समर विजिटर्स एक विंटर विजिटर्स। इसको मैंने एक साइक्लिक फॉर्म में दिखाया है, जैसे नाइट एंगल्स है, ककूज है, स्वेलोज है, स्विप्स है। स्प्रिंग सीजन में ये इस प्लेस पर आता है और समर में वहाँ पर ब्रीडिंग करता है, फिर वो लौट करके अपने ओल्ड प्लेस पर स्प्रिंग में वापस चला जाता है, इसलिए इसको समर विजिटर्स कहते हैं। उसी तरह से विंटर विजिटर्स है, जिसमें जो कि ऑटम में आता है, विंटर सीजन में ब्रीडिंग करता है, सब चीज करने के बाद फिर ये ऑटम में वापस अपने पुराने प्लेस में ऑटम सीजन में आ जाता है। दूसरा है क्लाइमेटिक, चेंज इन डेली और सीजनल क्लाइमेट्स, मतलब डेली और सीजनल क्लाइमेट्स हुआ उससे बचने के लिए जो एक छोटे इस प्लेस से थोड़े से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है डक्स, गीस। दूसरा है एलिमेंटल, शॉर्टेज ऑफ फूड और वाटर की वजह से भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं। दूसरा है गैमेटिक माइग्रेशन, ऑलमोस्ट ऑल जो है ये गैमेटिक माइग्रेशन करते हैं। अटेनिंग स्पेशल इन्वायरमेंट फॉर सम पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, हर बर्ड जो है एक खास टाइम में, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव पीरियड में एक खास किस्म का इन्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट कर जाते हैं। फिर जब वो प्लेस वापस हो जाता है तो फिर वो वापस अपने प्लेस पर आ जाते हैं। इसको हम गैमेटिक माइग्रेशन कहते हैं। अगला वीडियो में पार्ट 2 होगा।